मैं बिजनेस स्टार्ट करे करीब 25 साल हो गया। हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट किए उस टाइम में अगरबत्ती हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग बिजनेस था और हम लोग अगरबत्ती वगैरह बेंगलोर से लेके आते थे। और उस टाइम में सबको का यही धारणा था कि अगरबत्ती बोलने से बेंगलोर, उड़ीसा में अगरबत्ती बनाना भी बहुत टफ वर्क था। और अगरबत्ती का उस समय क्वालिटी वगैरह भी कुछ रहता नहीं था, उसका अंदर में क्वांटिटी भी ठीक नहीं रहता था। तो जब भी मार्केट में कंज्यूमर लोगों ने हम लोग क्वेश्चन पूछते थे तो हम लोग उन लोगों को ठीक से आंसर दे नहीं सकते थे। और जब कंपनी से कॉन्टैक्ट करते थे वो लोग भी उसके बारे में कोई सही जवाब नहीं देते थे। इसलिए वही चैलेंज को एक्सेप्ट करके हम लोग करीब 25 साल हो गया अगरबत्ती बिजनेस में आए। और ये हम लोग लिए तो चैलेंज था, इसलिए हम लोग उस टाइम उड़ीसा में एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं था, इंडस्ट्री बोलने से उड़ीसा में इंडस्ट्री था ही नहीं। हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट किए उस टाइम में फाइनेंस का बहुत ही प्रॉब्लम था और हर चीज़ का प्रॉब्लम था। ट्रांसपोर्टिंग में भी इतना अच्छा सुविधा नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन हम लोग हौसला था और सच्चाई ईमानदारी का बल से आज हम यहाँ तक पहुँचे। और उस टाइम हम लोग जब इंडस्ट्री स्टार्ट किए हम लोग पास में सिर्फ 8-10 एम्प्लॉइज थे और आज करीब हमारे पास में डायरेक्टली 150-200 एम्प्लॉइज है, इनडायरेक्टली 1000 से 1500 तक एम्प्लॉइज है। और हमारे पास में अभी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है उसमें 1500 डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं। और हम लोग क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छा क्वालिटी है, ईस्टर्न जोन में हम लोग सबसे बिगेस्ट प्लेयर हैं। इंटरनेशनल हम लोग डील किए नहीं, ईस्टर्न जोन में हम लोग बिजनेस है और डे बाई डे हम लोग ग्रो कर रहे हैं और अभी हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए सोच रहे हैं। मेहनत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है। जो बोलते हैं व्यापार में झूठ नहीं बोलना से व्यापार नहीं होता, ये बात एकदम गलत है। व्यापार सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर में टिका हुआ है। व्यापारी का मेन पिलर है ईमानदारी और सच्चाई।